हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे और मुझसे जो भी गलती होगी उसे माफ करिएगा। चलिए आज मैं आपको लेके चलती हूँ अपने पापा के पास। कल वो ब्लॉग में मेरे नहीं थे क्योंकि वो ऑफिस गए थे, तो चलिए आज मैं उनसे आपको मिलाती हूँ। नमस्कार दोस्तों, ये है मेरी बेटी काजल। मिलिए हमारी बेटी से, इसका प्रमोशन करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। करती हूँ गाइस कि आप लोगों को मेरे पापा से मिलके अच्छा लगा होगा और वो वीडियो में आते रहेंगे, वो बहुत मजा किया है। और अगर आपको वीडियो में उनको देखना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब मैं अपने पापा के पास लेके जाती हूँ। आज उन्होंने कुछ खाना बनाया है लंच में, तो आप लोग को वो बताएंगे कि आज उन्होंने क्या बनाया है, बताइए। आइए हम दिखाते हैं आपको। चलिए गाइस, ये मेरी मम्मी है। चलिए ये देखिए, इधर देखिए, ये है भात जो अभी अभी बना है, बिल्कुल गरम। और ये देखिए, इलिश माछ रन्ना हुई थे। आज के इलिश माछ रन्ना करे जी, खबाई मिले खाबो। हम थोड़ा बंगाली भी बोलते हैं, ठीक है। अगर जो लोग बंगला समझते हैं वो बंगला समझिए, नहीं तो हम बता दे रहे हैं कि आज हम लोग हिलता मछली बनाए हैं और मालिक के लिए आएगा बिरयानी, ठीक है। गाइस मैं मछली नहीं खाती हूँ तो इसलिए मेरे लिए बिरयानी आएगा। और वीडियो में बने रहिए, आपको आगे और दिखाती हूँ। जैसे कि गाइस पापा आप लोग को एक चैलेंज देना चाहते हैं कि आप लोग भी करके दिखाइए, मतलब आप लोग ऐसे घर में नॉर्मल करके दिखा सकते हैं। कुछ बोलना चाहते हैं आप? देखिए ट्राई करिए, अगर हो जाए तो करिए। मेरी मम्मी का तो हंसी ही नहीं रुक रहा है गाइस। ये देखिए, ये जिसने जिम ज्वाइन नहीं किया है वो ऐसा कर सकते हैं अपने घर में, जिसका पेट निकला हो। देखिए थोड़ी देर सांस बांध के रखिए गाइस। अब थोड़ी देर बाद पेट निकल गया। आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। इधर आइए दोस्तों, अब मिलाता हूँ मैं आपको एक खतरनाक प्राणी से। ये है मेरी मम्मी। नमस्कार। अगर आपको अपने खानदान के विषय में जानना है तो ठीक है, तो एक बार खाली पूछ लीजिए। कार्य देखिए, अगर आपको अपना खानदान के विषय में जानकारी नहीं है तो आप एक बार विजिट कर सकते हैं, सब कुछ जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। इनका बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि ये मजाक चलता रहता है कि अगर किसी भी हस्बैंड और वाइफ में, अगर वाइफ के घर के बारे में कुछ भी एक शब्द बोल दो तो ये नॉर्मल सा बात है, वाइफ अपने पूरे ससुराल के बारे में हिस्ट्री बताने लगती है। सही बात ना? ये है मेरी बेटी काजल। तो देख लिए ना आप लोग गाइस, हमारे घर में ऐसे छोटे मोटे नोक झोंक मस्ती मजाक होते रहते हैं। देख सकते हैं मेरा भैया आ चुका है, होम डिलीवरी डिलीवरी बॉय। और इतनी गर्मी में बेचारा गया था बिरयानी लेने, बहुत गर्म। जाना तो पड़ेगा ही, नहीं जाएंगे तो मार पड़ेगा। और मारने वाला कौन? ये देखिए, क्योंकि डरना जरूरी है। मैं नहीं खाऊंगी तो काम कैसे चलेगा? क्योंकि आप लोग तो भैया मछली खाएंगे तो मुझे भी तो कुछ चाहिए। ये मेरे पापा है गाइस, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप वीडियो में बने रहें। जैसे कि आप देख सकते हैं बिरयानी आ चुका है और बिरयानी के साथ बिना चटनी
मतलब अधूरा है खाना, तो चटनी नहीं है तो आइए मैं आपको चटनी बना कर दिखाती हूँ। यहाँ है धनिया पत्ता और ये मिर्चा, धोना है, धो दिए देख सकते पीछे सवाल थोड़ा सा आम का अचार, उसके बाद ए मेरी बेटी काजल। चटनी तो मैं बना ली हूँ, चलिए पापा से टेस्ट करा के देखते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा घर में मेरे खाना पापा ही बनाते हैं। पिताजी आप अब टेस्ट करके बताइए कि मेरा चटनी कैसा है। क्या हुआ? बहुत टॉप बना है। बहुत अच्छा ना, एक नंबर। तीखा? आप ये लोग, आप सब ये चटनी जरूर अपने अपने घर में ट्राई करिएगा। नॉर्मल दाल भात जब भी कुछ बने, ये देखिए गाइस सब खाने बैठ गया है। बिरयानी स्पेशल। तो फ्रेंड मैं अपना खाना वाना खाने के बाद, लंच करने के बाद, मैं थोड़ी सी अपनी शॉर्ट वीडियो शूट करने लगी थी। और मैं शॉर्ट वीडियो अगर आपको देखना होगा तो वो मेरी लिंक में होगा। और मैं आज यही ब्लॉग एंड करती हूँ, तो इसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।